पुत्री, आप कहने सुनने में समय व्यर्थ मत करो, जाओ जाकर लेप ले आओ। स्वामी कार्तिकेय की पूजा में विलंब जो हो रहा है। अब इन तीनों के मुख पर ये मुस्कान क्यों है? क्या योजना पूर्ण की है इन्होंने? देवराज, भ्राता हम पर संदेह करें उसके पहले ही हमें यहाँ से निकलना चाहिए। भ्राता, आप अपनी पूजा आरंभ कीजिए, हम जाकर देवी माँ की सहायता करते हैं। हाँ हाँ देव सेनापति, मैं भी गणेश जी की सहायता करता हूँ। चलिए गणेश जी। वो मेरी परम भक्त है, इंद्रदेव की पुत्री है वो, किंतु ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे वो उससे भी अधिक कुछ है? अपने ध्यान को इन विचारों में भटकने नहीं देना है मुझे। इस व्रत पर ही एकाग्र रहना चाहिए, जिससे पशुपतास्त्र प्राप्त कर मैं उन दुष्ट अधर्मियों को दंडित कर सकूं। महापराक्रमी लंकेश्वर का मुख्य महायोद्धा असुर विक्रमासुर की ऐसी दुर्दशा भला कौन कर सकता है? ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। ये वही है जिसने पहले भी हमारा विरोध करने का दुस्साहस किया था। वीर बाहु बालक कार्तिकेय का सेनापति। अत्यंत शक्तिशाली लग रहा है ये वीरबाहु। हाँ, महाविक्रमासुर का वधित तो शक्तिशाली होगा। मेरे विचार से आगे हमारा और अनिष्ट न हो, उसके लिए हमें इंद्र के पुत्र को लौटा देना चाहिए। माँ कुछ कीजिए, इन सभी का विश्वास मुझसे उठ रहा है, इन्हें फिर से अपने नियंत्रण में लीजिए। वो मेरा भ्राता जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता था, उसका भी वीर बाहु ने वध कर दिया, तो यदि वो यहाँ पहुँच गया तो? यहाँ प्रवेश करना संभव है, क्योंकि तुम्हारे भ्राता के विपरीत मेरा भ्राता सिंहमुख बुद्धिशाली है, चतुर है, शक्तिशाली है, क्योंकि उसने स्वयं शक्ति स्वरूपा देवी चामुंडा कालिके की वर्षों आराधना की है। ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। उसने वरदान प्राप्त कर स्वयं देवी चामुंडा काली को महेंद्रपुरी का रक्षक बनाया है। वो किसी को महेंद्रपुरी में प्रवेश नहीं करने देगी। अब महेंद्रपुरी अधिक दूर नहीं, इसे जीवित कर दिया राजमाता सुरासही ने। जो मृत्यु पर भी विजय पाले वो हमारे साथ है। तो फिर किस बात का भय? मेरा भ्राता, मेरा प्रिय अनुज महाविक्रमासुर फिर से मेरे साथ है, मैंने उसे खोया नहीं। महान ही नहीं, महानतम है आप माता माया सुरासही। पुनः प्राण फूंक दिए आपने मेरे भ्राता में, आपको धन्यवाद असुर माता। पूर्ण रूप से पुनर्जीवित नहीं हुआ है, किंतु एक उदाहरण है।
मेरी क्षमता का। मैंने ऐसी साधना की है जिससे युद्ध में मेरा कोई भी सैनिक हताहत नहीं हो सकता, फिर चाहे सामने कोई भी योद्धा हो, वीर बाहु या स्वयं वो बालक कार्तिकेय। मैं असुरी माया हूँ तुम्हारे साथ, तो भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। माया सुरासई की जय। माया सुरासई की जय। माया सुरासई की जय। जय। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। हे प्रभु, रक्षा कीजिए जयंत की, ये असुर कहीं उसका अहित ना कर दे। ये असुर दूसरी बाधा को भेद रहे हैं। अब ना अधिक समय सुरक्षित रहेगा ये बालक, और ना ही उस कार्तिकेय का नाम ले सकेगा। शीघ्रता करो। अब ये दीवार होते हुए भी इसे नहीं दिखी, जब जब इसके नेत्र खुलेंगे मेरे भयानक असुर इसे आते हुए दिखेंगे। पूर्वक से ला रहे हैं प्रभु। प्रभु के पास से मेरा आत्मबल बढ़ता जा रहा है, मेरा भय दूर हो रहा है। सूर्य जैसे प्रकाशित हो, ऐसा दिव्य प्रकाश है ये, जिनके दिव्यता की कोई तुलना नहीं, वो तो मेरे ही प्रभु है। आतंकित होकर विवश होकर उठना ही पड़ा ना। इसके मुख पर अभी भी मुस्कुराहट है। प्रभु भेज रहे हैं किसी को अपने भक्त अपने दूत को हमारी रक्षा के लिए। तुम्हें कैसे पता कि वो किसी को भेज रहा है तुम्हें मुक्त कराने? वो दृश्य तो स्वयं मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी ने दिखाया था। कार्तिकेय ने तुम्हें दृश्य दिखाया था? कैसे, कहाँ, कब? अभी यहाँ। मूर्ख बना रहा है वो मुझे। यहाँ यदि तुम्हें कुछ दिखता तो मुझसे कैसे छुप सकता है? झूठा अहंकार हमें सत्य से दूर कर देता है और बुद्धि भी भ्रष्ट कर देता है। अभी भी समय है अहंकार का आवरण उतार कर भक्ति के सरोवर में डुबकी लगाओ। सत्य स्वयं ही आपके सामने प्रकट हो जाएगा, तुम्हें भी प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। दुस्साहसी बालक, तुम भगवान सुरा पद्मन को भक्ति का पाठ सिखा रहे हो, इसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा।
से ये क्या हुआ? ये बालक जो अभी तक इनकी गर्जना से कंपित हो जाता था, अब उससे तनिक भी प्रभावित नहीं हो रहा है। भय इतनी सरलता से नहीं मिटता, एक बार उसका अनुभव हो जाए तो वो बढ़ता ही जाता है। फिर इस बालक के साथ क्या हो रहा है जो बालक इतनी सरलता से भयभीत हो जाता था? इतना निडर कैसे हो गया? जयंत, तुम्हारा भय दूर हुआ उसकी प्रसन्नता है मुझे। अब ऐसे ही शांत मन से रहो और प्रभु में विश्वास रखो, तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकता। आपने सत्य कहा माता, प्रभु स्वामी कार्तिकेय सदा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। मैं तो व्यर्थ में भयभीत हो रहा था, किंतु मैं अब अपनी भक्ति और विश्वास पर किसी भी भय को कदापि हावी नहीं होने दूंगा। ये यहाँ क्यों आई है और क्या चाहती है? अजामुखी को मुक्त करो। किंतु कोई किंतु परंतु नहीं, मैं जो कह रही हूँ वो करो, मुक्त करो उसे। आज तुम्हारी मुक्ति का दिन है, जाओ मुक्त हो। तुम्हारी मुक्ति से मां कितनी प्रसन्न होगी, क्योंकि आदेश उनका ही है। चिंता मत करो जयंत, जिस प्रकार मैं मुक्त हुई हूँ उस प्रकार प्रभु तुम्हें भी मुक्ति देंगे। माता ने कहा है, इसीलिए इसे मुक्त कर दिया मैंने। किंतु ये कृतज्ञ कार्तिकेय भक्त हमारा क्या लाभ करेगी? चतुराई में आपसे बढ़कर कोई नहीं प्रभु, समय पर प्रकट हुए और सब कुछ संभाल लिया। किंतु इंद्रदेव, अभी ये मत समझिए कि सब सुलझ गया। ना 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 ना, कार्य तो अभी भी शेष है। कार्य भी शेष है, अर्थात कनिष्ठ? प्रणाम भाभी माँ, मुझे अपनी सहायता की अनुमति दीजिए। आप मुझे भाभी माँ पुकार तो रहे हैं, किंतु क्या आप मुझे अपनी भाभी माँ मानते भी हैं? हाँ भाभी माँ। किंतु स्वामी के सामने भाभी माँ के स्थान पर देवी माँ क्यों कहते रहे? जैसे उनसे कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। कि मैं उनके होने वाली पत्नी या मेरा उनसे विवाह होने वाला है? नहीं नहीं भाभी माँ, जो सत्य है उसे भला कौन छिपा सकता है। मैं तो बस इतना चाहता था कि आप दोनों का परिचय उचित समय पर उचित प्रकार से हो। आपको समझ रही हूँ मैं, पुनः बातों में उलझा रहे हैं ना मुझे। किंतु मैं उलझने वाली नहीं, अब मुझे छोड़िए, मुझे मेरा कार्य करने दीजिए, अन्यथा प्रभु को विलंब हो जाएगा। तो मुझे भी अपनी सहायता करने दीजिए। भाभी माँ को स्पष्ट और सीधा नहीं समझा सकता, कोई और उपाय ढूंढना होगा। किंतु मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आपने क्यों रोका मुझे स्वामी को बताने से कि मैं उनकी होने वाली पत्नी हूँ? आपको लगता है ये इतना महत्वपूर्ण है तो आप स्वयं ही बता दीजिएगा, उसमें मैं भी आपकी सहायता करूँगा। कहीं प्रभु गणेश जी फिर से भाभी माँ के स्नेहवश भटक तो नहीं गए? आप जब उन्हें चंदन देंगी तभी सब कुछ बता दीजिएगा, और आप स्वयं नहीं कह सकेंगी तो मैं बता दूंगा। ये क्या कर रहे हैं प्रभु? मूषक जी, हमें निकट जाकर गणेश जी को ऐसा करने से रोकना होगा।
कार्तिकेय को अपना परिचय बताने के लिए निकल भी पड़ी है। अब प्रभु गणेश जी उन्हें कैसे रोकेंगे। मैं तो आपकी हर प्रकार से सहायता के लिए लालायित हूँ भाभी माँ, क्योंकि आप मुझे बहुत प्रिय हैं। आप में और भ्राता में इतनी समानताएं जो है। समानताएं? कैसी समानताएं गणेश जी? जिस प्रकार आप सदैव निष्ठा और भक्ति से अपने कर्तव्य पर स्थिर रहती हैं, वैसे ही भ्राता अपने कर्तव्य से तनिक भी नहीं भटकते। आप दोनों ने एक समान यात्रा की, पंचभूत शिवलिंग के दर्शन किए, और आप दोनों का भक्ति भाव भी तो समान ही है। वो प्रभु के शिवलिंग की सेवा करते हैं और आप उनकी। हाँ, विचार करो तो बस एक भिन्नता है। भिन्नता है? क्या भिन्नता है बताइए ना गणेश जी, किस प्रकार की भिन्नता है? नहीं, मैं जो कहूँगा वो आपको भाएगा नहीं। आप जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे, फिर आपका कोई भी शब्द मुझे ना भाए ऐसा कैसे संभव हो सकता है? और मैं उनकी भावी अर्धांगिनी हूँ, तो हमारी असमानताएं ज्ञात करने का मुझे पूर्ण अधिकार है। तो संकोच ना कीजिए, बताइए मुझे गणेश जी, आपने प्रत्येक रूप से उनका साथ दिया है, किंतु अब क्या गणेश जी? भाभी माँ, अब जब वो मौन व्रत रख कर तपस्या में लीन है, तो आप यहाँ इतनी बातें कर रही हो? हाँ भाभी माँ, आप समझ गईं। मेरे विचार से स्वामी के समान मुझे भी मौन व्रत रखना चाहिए, है ना? आपका सुझाव उचित है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। एक अर्धांगिनी का धर्म है कि वो अपने अर्धांग के प्रत्येक धर्म कार्य में उसका साथ दे। मैं होने वाली अर्धांगिनी हूँ तो क्या, मैं भी प्रण लेती हूँ। अब जब तक स्वामी अपने मौन व्रत से नहीं उठेंगे, मैं भी मौन व्रत का पालन करूंगी। वाह, प्रभु ने कितनी चतुराई से स्थिति को संभाल लिया। सर्वथा सत्य कहा आपने मूषक जी। गणेश जी, आप बुद्धि के देवता हैं ये मुझे ज्ञात है, किंतु आज आपकी चतुराई पुनः देखकर मैं आपके आगे नतमस्तक हो गया। प्रभु, अब सब कुछ उचित हो गया है। अब ना भाभी माँ कुछ कहेंगी और ना ही विवाह की चर्चा होगी, तो अब हम निश्चिंत हो सकते हैं। हाँ, अब सब उचित प्रतीत हो रहा है। इधर भाभी माँ ने अपना मौन व्रत आरंभ किया है और उधर वीर बाहु भी महेंद्रपुरी में प्रवेश कर चुके होंगे। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। अंततः मैं यहाँ पहुंच ही गया प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। इस भयंकर द्वार को भेद के महेंद्रपुरी में प्रवेश कर जयंत और देवताओं को मुक्त कराने में सफल हूं। ये त्रिशूल का वार किसने किया? कौन हो? छिप कर वार करने जो धाव को शोभा नहीं देता, चाहता है तो सामने आओ और वार करो मुझ पर।
ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। तुम बिना मेरी अनुमति के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। अभी भी समय है, लौट जाओ। इससे आगे बढ़े तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगी। जाओ, अन्यथा तुम्हारा घोर अहित होगा। मेरा अहित तो तब कर पाओगी जब तुम मेरे सामने आओगी, और यदि केवल तुम्हें मुझे रोकना ही है तब भी तुम्हें सामने ही आना होगा, अन्यथा कायरों की भांति छिप कर बोलने से कुछ भी नहीं होगा। प्रभु कार्तिकेय के भक्त को देखकर कहीं भयभीत तो नहीं हो गई? मैंने कहा था इससे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है तुम्हें। एक भी पग यदि आगे बढ़ा तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगी। जीवित रहना चाहते हो तो भाग जाओ मूर्ख। मां, मुझे आप पे कोई संदेह नहीं। आप जो भी कार्य करेंगे उसके पीछे अवश्य कोई कारण छिपा होगा। किंतु जो हमारे शत्रु को अपना भगवान समझती, उस द्रोही अजमुखी को आपने मुक्त कर दिया। क्यों? कुछ समझ में नहीं आया मुझे। पुत्र माया की माया को समझना इतना सरल नहीं है। तुमने सही समझा। मैं जो भी करूंगी उचित करूंगी, फिर इतना संदेह क्यों? यदि ये असुर जयंत को हमें भगवान मानने पे विवश नहीं कर पाए तो अजामुखी हमारा अगला अस्त्र बनेगी जयंत की भक्ति को परास्त करने के लिए। किंतु वो हमारी सहायता क्यों करेगी? कारागार से मुक्त होते वो तो अपने उस भगवान कार्तिकेय की पूजा में लीन हो गई होगी, जिसकी कल्पना भी क्रोधित करती है मुझे। मन तो करता है उसका वो मुख जिससे वो कार्तिकेय का नाम लेती है, उस मुख को मैं सदा के लिए शब्दहीन कर दूं। असुर सम्राट, ये शब्द तुम्हें शोभा नहीं देते। ये कार्य तो कोई भी कर सकता है। किसी को परास्त करने के लिए केवल बल नहीं, छल की भी आवश्यकता है। कौन है ये अजामुखी? एक नारी, एक पुत्री, एक बहन। बस इसी का लाभ उठाना है हमें। हमारी प्रेम की माया में बंध कर वो अवश्य हमारी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर जयंत को हमारी भक्ति का राग अलापने पर विवश कर देगी। बस हमें इसी योजना पर चलना है। कौन सी योजना माँ? कैसे चलना है उस पर? कहीं इस योजना का मेरे से तो कोई संबंध नहीं? और कहीं इसीलिए तो आपने मुझे मुक्त नहीं किया है? नहीं पुत्री, हम तो यहाँ तुम्हारे स्वागत के लिए ही हैं। आओ आओ यहाँ, आओ यहाँ पुत्री अजामुखी। अपनी माँ के चरण स्पर्श नहीं करोगी? अपने भ्राता का आलिंगन नहीं करोगी? आओ पुत्री। विश्वास किसी भी भगवान पे क्यों ना हो, पर हो तो तुम मेरी ही पुत्री ना। माँ हो तुम्हारी। एक माँ होकर
अपनी पुत्री को कष्ट कैसे दे सकती हो भला? वहाँ कारागार में जितना कष्ट तुम्हें हो रहा था, उसे कहीं अधिक कष्ट मुझे यहाँ हो रहा था। मैंने उचित कहा ना, पुत्र सुरापद्मन? हाँ हाँ माँ, सर्वथा उचित कहा है। मेरी दुलारी बहन उस कारागार में रहे और हम इस राजभवन का आनंद ले, उससे अधिक पीड़ा की बात एक भ्राता के लिए और क्या हो सकती है? जो अभी तक मुझे तुत्कार रहे थे, वो अब इतना दुलार कर रहे हैं। किंतु ये परिवर्तन कैसे हुआ? जो भी है, अपने परिवार से प्यार पाना तो सदा अच्छा ही होता है। मुझे नहीं पता ये सब सत्य है अथवा असत्य, किंतु मैं जैसी हूँ मुझे उसी रूप में स्वीकार करने से मैं अत्यंत आनंदित हूँ। और मुझे भी विश्वास है कि ऐसे ही आप जयंत को भी एक दिन मुक्त कर देंगे और प्रभु कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी का प्रभुत्व समझेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। प्रभु की प्रतिमा छाया में है, किंतु प्रभु पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ रही हैं। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। हे देवी, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, किंतु आपके आदेश का पालन भी नहीं कर सकता। मैं अपने प्रभु को वचन देकर आया हूँ, इसलिए उनका कार्य संपन्न करने से पूर्व मैं कदापि नहीं लौट सकता। तो फिर उसके लिए आप मेरा वध भी कर दें तो वो भी मुझे स्वीकार है। फिर मेरी दया नहीं, मेरे क्रोध के भागी बनोगे तुम। होने का प्रयास करना होगा मुझे। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जिस विघ्न का अब मैं सामना कर रहा हूँ उसे दूर करने के लिए आपको साक्षात यहाँ आना होगा, तभी मेरी रक्षा संभव है, तभी मेरी रक्षा संभव है, तभी मेरी रक्षा संभव है। हे पुत्री देवसेना, कर क्या रही? प्रभु कार्तिकेय अपने ध्यान में मग्न है तो भाभी माँ कुशा धूप और बांस लेकर क्यों आ रही है?
प्रार्थना गणेश जी, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। मुझे ही कुछ करना होगा। विघ्नहर्ता गणेश अपने भक्त की पुकार सुनकर वहां पहुंच गए हैं। यदि इनमें कोई संघर्ष हुआ तो बहुत बड़ा अनिष्ट होगा। विघ्नहर्ता गणेश अपने भक्त की पुकार सुनकर वहां पहुंच गए हैं। गणेश, माता चामुंडा काली यहां कैसे? देवसेना के इस कार्य से कहीं देवसेनापति कुमार कार्तिकेय के ध्यान में कोई भटकाव न उत्पन्न हो जाए। गणेश जी, देवसेना की पायल की ध्वनि तो बढ़ती ही जा रही है। गणेश जी, मूषक जी, ये गणेश जी कहां अदृश्य होकर? कैसी समस्या है? विकट समस्या आते ही प्रभु गणेश जी अदृश्य क्यों हो जाते हैं? प्रणाम माँ चामुंडा काली। प्रभु मेरी रक्षा के लिए इनका सामना करने के स्थान पर इन्हें प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। मुझे क्षमा कीजिए मां, मैं समझ नहीं सका कि आप हैं। हम पर कृपा कीजिए और हमें महेंद्रपुरी में प्रवेश करने की अनुमति दीजिए। पुत्री, देवसेना जो भी कार्य कर रही है उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि देवसेनापति कुमार कार्तिकेय के कानों तक पहुंचकर उन्हें बाधित न करते। मूषक जी, प्रभु गणेश जी कहां चले गए?
जाने दूं मैं तुम्हें? भीतर जाने की अनुमति मैं तुम्हें क्यों दूं? आप दयालु हैं माँ, करुणामयी हैं। अपने भक्तों का अनुरोध आप कैसे ठुकरा सकती हैं माँ? संसार मुझे भयंकर मानता है। मेरे विकराल रूप को देखकर सभी भय से कंपित हो जाते हैं और तुम मुझे करुणामयी दयालु पुकार रहे हो। संसार आपको देखने में दोष करता है क्योंकि वो आपके काली तत्व से अंधिज्ञ है। तो क्या तुम्हें है परिचय मेरे तत्व का? उचित है तो यदि तुम मेरे काली तत्व का उचित वर्णन सफलता पूर्वक करोगे तो मैं तुम्हें भीतर जाने की अनुमति दूंगी। किंतु यदि तुम इसमें असफल हुए तो तुम्हें अभी यहाँ से लौटना होगा। मैं कदापि नहीं लौट सकता, इसलिए इस अवस्था को स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे स्वीकार है माँ। कृपया मुझे अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन देने की कृपा कीजिए, तो मैं उसका उचित वर्णन करूँगा। माता महाकाली के स्वरूप को पहचान कर उनका वर्णन करना इतना सरल नहीं है। माता, सर्वप्रथम मैं आपके नाम के उचित अर्थ का वर्णन करूंगा। काली का अर्थ है काल, अर्थात समय, और काल सभी को समय के साथ निगलता रहता है। आकाश के समान आपकी अनंतता का प्रतीक है आपका नीला वर्ण, और जो अनंत है उसे कोई साधारण सीमित वस्त्र कैसे ढक सकता है? इसलिए आपको दिगंबरी कहा जाता है, क्योंकि आपका आवरण तो संपूर्ण अंतरिक्ष है। आपकी कटी में भुजाओं की माला शोभा पाती है, जो इसका संकेत देती है कि इन भुजाओं के बुरे कर्मों का समय समाप्त हो गया। आपके गले में शोभायमान मुंडों की माला ये बताती है कि आपने उनके बुरे विचारों पर नियंत्रण कर लिया है और मृत्यु उपरांत उनकी आत्मा आप में समाहित हो जाती है। आपके मस्तक को सुशोभित करने वाला अर्धचंद्र इसका प्रतीक है कि आप ही जीवन दायिनी हैं। आपके श्वेत दंत सत्व के प्रतीक हैं, लाल जिह्वा रजस की, और आपका विकराल दिव्य रूप तमस का प्रतीक है। इसका अर्थ है तमस पर रजस से विजय पाई जा सकती है और रजस पर सत्व से। माँ, आपके वक्ष से सभी को पोषण मिलता है और आपका भयंकर रूप जो दिखाई देता है वो इसका प्रतीक है कि माँ रूप में अंत और आरंभ सब आपसे ही है। माँ, आपकी दाहिनी ऊपरी भुजा निर्भयता की प्रतीक है और निचली भुजा वरदान देने वाली है, अर्थात आप अपनी संतानों की रक्षा भी करती हैं और उनकी इच्छाओं की पूर्ति भी। माँ, आपकी बाईं ऊपरी भुजा में आपका खड़ग अज्ञानता को नष्ट करता है और आपकी बाईं निचली भुजा में मुंड अज्ञानी अधर्मी को दंडित कर उस शीश में रहने वाले अहंकार, अज्ञानता और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्रभु महादेव का आपके चरणों तले होना, अर्थात शिव और शक्ति का सदैव साथ रहना ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करता है। शिव परम पावन सर्वोच्च चेतना स्वरूप हैं, तो आप माँ काली ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा हैं। शिव और शक्ति के अद्भुत दिव्य संयोग के बिना कोई सृजन संभव नहीं, अर्थात शक्ति के बिना शिव प्रकट नहीं हो सकते और शिव की चेतना के बिना काली गतिमान नहीं हो सकती। और माँ,
जब आपका बायां चरण आगे होता है तो आप दंडित करने वाली वाम काली होती हैं, और जब आपका दाहिना चरण आगे होता है तो आप दक्षिणा काली होती हैं, जो वरदानी है। मैं तुम्हारे ज्ञान तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हुई गणेश, ये तो मात्र एक परीक्षा थी, क्योंकि सीमुख को दिए गए वरदान के अनुसार मैं भी कार्तिकेय के दूत की प्रतीक्षा कर रही थी। अब तुम यहाँ पहुँच गए हो वीरबाहु, तो मैं यहाँ से प्रस्थान कर सकती हूँ। प्रणाम माता। चलिए वीर बाहू जी। ओम एम हीम क्लीम चामुंडा विच्चे। ये कैसा शुभ संकेत? देवी की प्रतिमा से तेज क्यों जा रहा है? यहाँ सभी दीपक क्यों बुझ गए? ये अंधकार क्यों छा रहा है यहाँ? महेंद्रपुरी जिनकी कृपा से सुरक्षित थी वो अब यहाँ नहीं है। देवी चामुंडा यहाँ से प्रस्थान कर गई, किंतु कोई बात नहीं, यदि कोई यहाँ से भीतर प्रवेश कर भी गया तो उसे बाहर नहीं जाने दूंगा मैं, उसे यही प्राण त्यागने पर विवश कर दूंगा मैं। किंतु मुझे ये सब माता को बताना पड़ेगा। आज माँ और चेष्ट से इतना स्नेह पाकर मैं अति आनंदित हूँ। आनंदित तो अब हम होंगे जब तुम हमारा कार्य पूर्ण करोगी, उस जयंत को हमारे सामने झुकने पर विवश कर दोगी, और तुम्हें ये ज्ञात भी न होगा। पुत्री देवसेना को रोकू तो कैसे रोकू? यदि ऊंचे स्वर में मैंने कुछ कह दिया तो हमें प्रभु कार्तिकेय के ध्यान को भंग करने का कारण बनेंगे। नहीं नहीं वीर बाहू जी, ऐसे नहीं जा सकते हम। अस्त्र शस्त्र देखते ही सभी वहाँ सतर्क हो जाएंगे, युद्ध आरंभ हो जाएगा। और इतना ही नहीं, युद्ध में व्यस्त हो गए तो ना आप जयंत तक पहुँच सकेंगे और ना ही उसकी रक्षा कर सकेंगे। इसलिए अपने अस्त्र छिपाइए। हमें चतुराई के साथ ऐसे प्रवेश करना होगा जिससे किसी को हमारे वहाँ होने का आभास भी ना हो। उचित है प्रभु गणेश जी। जब मेरा कार्य संपन्न होने ही वाला है। प्रभु गणेश जी शीघ्र लौट आइए, कहीं स्थिति और बिगड़ ना जाए। लौट आइए गणेश, कहीं स्थिति और ना बिगड़ जाए। अब मैं क्या करूं? वहां रहता हूँ तो यहाँ समस्या उत्पन्न होती है, और यहाँ रहता हूँ तो वहाँ स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाती है। विघ्नहर्ता गणेश, शीघ्र लौट आइए, लौट आइए शीघ्र।
प्रभु, अंततः हम यहां पहुंच ही गए। कहां चले गए प्रभु? ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। अब कोई भय नहीं है मुझे। प्रथम पूज्य के मार्गदर्शन में द्वार तक तो पहुंच गया, अब मुझे स्वयं आगे बढ़ना है। किंतु उनका सुझाव मानकर बिना किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किए बिना ही जाना होगा मुझे, और उसके लिए कैसे स्थान पर पहुंचना होगा मुझे जहां से मैं समूची महेंद्रपुरी को देख सकूं और सबसे सुरक्षित मार्ग ढूंढ सकूं। मिल गया, मुझे वो स्थान मिल गया, तो मुझे शीघ्रता से अपने अनुसार उचित चुनाव करने होंगे। किंतु गणेश जी अभी नहीं जाते तो अच्छा होता। राधा तो बहुत क्रोधित है। भाभी माँ को इसका भान भी नहीं। मेरी पायल की ध्वनि प्रभु का ध्यान भंग कर रही थी और मुझे इसका आभास भी नहीं था कि क्या हो गया मुझसे। नहीं, कोई अनिष्ट नहीं होना चाहिए। भ्राता के क्रोध के कारण भाभी माँ का कोई अहित हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। ओहो, ऐसी भक्ति, ऐसी निष्ठा देखकर मैं भाव विभोर हो गया हूँ। आप इतना कठोर परिश्रम कर रही हैं, जो कोई सबल पुरुष भी करे तो थक जाए। ये तो अपार भक्ति, पूर्ण समर्पण का ही परिणाम है। इन्होंने आपको सूर्य देव के ताप से बचाने के लिए इस छप्पर का निर्माण अत्यंत परिश्रम पूर्वक किया है। सर्वथा अद्भुत है आपकी ये परम भक्ति। सत्य, सर्वथा सत्य। मुझे क्षमा करे प्रभु कि पायल से आपका ध्यान भंग हुआ, किंतु मेरा वो उद्देश्य नहीं था। मैं तो बस आपके विश्राम के लिए ये स्थान बनाना चाहती थी। भक्ति में मेरे लिए इतना कुछ किया तुमने, तो मैं तुम्हें क्या दूं? Yeah.
ये मेरे कारण इतनी आहत हो गई और मैं इसे ही अपनी क्रोधाग्नि से भस्म करने जा रहा था। जब हृदय में ऐसा भाव हो तो बात ना भी करें तो भी विचार एक समान ही होंगे। इनके विचारों से ऐसा लग रहा है कि दोनों के मध्य वार्तालाप ही हो रहा है। अच्छा है, यहाँ अब स्थिति नियंत्रण में है और भ्राता की संध्या आरती का समय भी हो चुका है। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जाओ, जाकर जला दो सारे दीपक। सिंहमुखन, तुम यहाँ इतने चिंतित क्यों हो? कहो क्या बात है? माता, माता हमारी नगरी महेंद्रपुरी देवी चामुंडा काली द्वारा रक्षित नहीं रही। मुझे वरदान देते समय उन्होंने कहा था। तुम्हारी इच्छा स्वीकार करती हूँ मैं, वरदान देती हूँ मैं महेंद्रपुरी की रक्षा करूँगी कि तू जब महेंद्रपुरी के भविष्य को एक नवीन दिशा देने वाला एक दूत, उसका एक सच्चा भक्त यहाँ पहुँचेगा, मैं उसी दिन तुम्हारी नगरी छोड़कर चली जाऊँगी। महेंद्रपुरी का भविष्य परिवर्तित कर देगा। कौन है वो? मेरी नगरी है ये, का भूत, वर्तमान, भविष्य सब मेरे अधीन है और मेरे पुत्रों के सिवाय ना इस पर किसी का अधिकार था और ना ही होगा। माया सुरासई की महेंद्रपुरी किसी देवी के भरोसे नहीं, चली गई तो उसे जाने दो। विश्वास रखो, अभी तुम्हारी माँ सुरासई जीवित है और वो अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना भली भांति जानती है। हाँ माँ, उसमें भला क्या संदेह, किंतु हमें सावधान होना होगा, इसलिए मैं अभी जाकर महेंद्रपुरी के कोने कोने को छनवा देता हूँ। यदि सच में किसी ने प्रवेश किया है तो वो आपके सामने होगा। नहीं सुरा पद्मन, तुम मसूर सम्राट हो, महेंद्रपुरी के प्रभु हो, ऐसी तुच्छ कार्य तुम्हें शोभा नहीं देते। जाओ अपने पुत्र सुधमुखन को आदेश दो, ये कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। महेंद्रपुरी का कोई भी कोना उसकी दृष्टि से नहीं छुपा। जा उसे आदेश दो कि वो शीघ्र ये कार्य संपन्न करे। Oh!
पास इसके ऊपर अब पहुंच ही रहा हूं। अब मैं इस नगरी पर अपनी दृष्टि रख सकूंगा। अब एक क्षण में इनकी दिशा पलट जाएगी। अब मैं उच्चतम स्थान पर पहुंचा हूं। अब ये दोनों शूल मेरे नियंत्रण में हैं। मेरी और मेरे उल्लोक की दृष्टि चूक नहीं सकती। अद्भुत, महेंद्रपुरी की योद्धाओं में क्षमता भी है और योग्यता भी, किंतु गणेश जी के आदेश के अनुसार सर्वप्रथम मुझे गुप्त रूप से महेंद्रपुरी में प्रवेश करने का उपाय ढूंढना चाहिए। आश्चर्य, इस असुर नगरी में समृद्धि की कोई कमी नहीं। राजकुमार सुरमुखम, जयंत की सुरक्षा के लिए महेंद्रपुरी में किसी अज्ञात का प्रवेश हुआ है और असुर सम्राट भगवान सुरापद्मन और माता सुरासई के अनुसार उसे ढूंढ कर पकड़ने के लिए आप ही योग्य हैं और इसीलिए यह कार्य उन्होंने आपको ही सौंपा है। उन्होंने ये कार्य हमें सौंप कर कोई भूल नहीं की है। जयंत को बचाना तो दूर, उन्हें हमारा बंदी बनना होगा। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। ये असुर दो बाधाओं को तो खंडित कर चुके हैं, अब तीसरी को करने वाले हैं। अर्थात तीन दिन बीत भी चुके हैं, अब तीन दिन शेष रह गए हैं। उसके बाद ये असुर जयंत पर आक्रमण कर चुके होंगे। नहीं, उससे पूर्व ही कुमार कार्तिकेय के दूत अथवा स्वयं कुमार कार्तिकेय यहाँ आकर जयंत की रक्षा कर लेंगे। किंतु इस स्थान का ज्ञान तो किसी को भी नहीं, तो फिर प्रभु कार्तिकेय उनके दूत यहाँ पहुंचेंगे कैसे? महेंद्रपुरी में जयंत और देवताओं को कहाँ बंदी बनाकर रखा होगा इन दुष्ट असुरों ने? अचंभित हूं मैं इस नगरी का धन धान्य देखकर, किंतु जो धन अधर्म से पाया जाता है वो उतनी ही शीघ्र खो भी तो जाता है। इस संपूर्ण नगर में इतनी गति है, किंतु वो एक कोना है जिसमें ना कोई जा रहा है न ही अधिक प्रकाश है, अर्थात कारागार वही कहीं होगा। और वह संकीर्ण मार्ग खाली लग रहा है, एक भी रक्षक नहीं है वहां, तो वहीं से जाना उचित होगा। देखा गणेश जी, आपके बिना भी मैंने भीतर जाने का मार्ग ढूंढ ही लिया। मैं तो यहां आ गया, किंतु वीर बाहु को वहां अकेला ही छोड़ आया। Thank you.
दोनों मौन व्रत में हैं, अपनी पूजा के प्रति समर्पित हैं। इसलिए यहाँ से कहीं अधिक मेरी आवश्यकता अब महेंद्रपुरी में है। वीरबाहु से कोई भूल हो जाए उसके पहले ही मुझे वहाँ पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो आज पग पग पर संकट होगा। मैं तो यहाँ आ गया किंतु वीरबाहु को वहाँ अकेला ही छोड़ आया। देखा गणेश जी, आपके बिना भी मैंने भीतर जाने का मार्ग ढूंढ ही लिया। उचित ही सोचा था मैंने, यहां कोई भी नहीं है। कितने मूर्ख हैं ये असुर, मात्र दो रक्षक रखे हैं, इन्हें तो मैं एक क्षण में छल कर आगे निकल जाऊंगा। बस अब कुछ ही क्षणों में मैं महेंद्रपुरी के भीतर होऊंगा। अब तो दो भी नहीं रहे, अब बिना हिंसा के भीतर जा सकता हूं, यही उचित अवसर है। आप कहाँ चले गए थे और अब यहाँ लौटे तो आपने तो मुझे भयभीत ही कर दिया। भयभीत नहीं किया है, मैंने आपकी रक्षा की है। नहीं प्रभु, मैंने ध्यान से देखा है, यहाँ तो सब सुरक्षित है क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं, और यहाँ से पश्चिम दिशा में कारागार का मार्ग भी है। कोई नहीं है यहाँ, ये देखिए। ये सब कहाँ से आ गए? प्रत्येक परिस्थिति में बल का प्रयोग ही नहीं बुद्धि का प्रयोग भी करना चाहिए। यही छिपे थे ये सभी, इसलिए तो मैंने कहा मैंने भयभीत नहीं किया, इनसे आपकी रक्षा की है। महेंद्रपुरी में सभी की दृष्टि आपको ही ढूंढ रही होगी, इसलिए वहां बहुत सावधानी से जाना होगा। उस मार्ग में पुष्प फेंकने वाला अवश्य वो भारी शत्रु होगा। जल पहले से ही यहां है। भक्त है, सेवक नहीं, इसीलिए यदि इस सेवा के स्थान पर भक्ति पूजा करती तो कदाचित अधिक उचित होता। Yeah.
पुत्री। पिताश्री, मुझे तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। तुम देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के लिए ये फलों की टोकरी तो लेकर जा रही हो, किंतु उन्होंने तो प्रण लिया है उनकी मुट्ठी में जितना भोजन आएगा वो मात्र उतना ही भोजन ग्रहण करेंगे। उचित है पिताश्री, मैं ऐसा प्रबंध करूंगी जिससे स्वामी का नियम भी भंग नहीं होगा एवं उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रसाद भी प्राप्त हो जाएगा। देवराज, आप भाभी माँ क्या कर रही हैं? शक जी, ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं। ये कार्य भी देवसेना ने पहले से ही कर दिया। मैं भोजन को मना तो नहीं कर सकता, किंतु मैं उसे अपने लिए ये सारे कार्य करने भी नहीं दे सकता। वो मेरी सेविका नहीं है। एक पत्र में क्या बता है जो देव सेनापति ने निकाला नहीं? मुट्ठी भर ही भोजन करूंगा ये ज्ञात है उसे, इसीलिए एक ही पत्र में मेरी मुट्ठी से अधिक फल बांध दिए उसने। वो मेरे प्रति निष्ठा और श्रद्धावान ही नहीं, बुद्धिमान भी है। कदाचित धीरे धीरे पुत्री देव सेना की सेवा पुत्र कार्तिकेय को भाने लगी है, किंतु उसकी ये सेवा मेरे प्रति उसकी निष्ठा दिखाने का उचित मार्ग नहीं है। मुझे उसे अपनी ऐसी सेवा करने से रोकने का उपाय ढूंढना होगा। अपने स्वामी का भक्ति भाव से अनुसरण, फिर सेवा भाव से उनकी सेवा, ममता का भाव और ध्यान, ये सभी गुण है देव सेना में। उसने ये प्रमाणित कर दिया कि वो पुत्र कार्तिकेय के लिए सुयोग्य, सर्वथा सुयोग्य अर्धांगिनी है। किंतु स्वामी, पुत्र कार्तिकेय देव सेना में अर्धांगिनी के स्थान पर अभी तक एक भक्त को ही क्यों देख रहा है? कितना अच्छा होता कि वो उसे पत्नी रूप में देखकर भविष्य में उचित समय पर विवाह उपरांत उसे स्वीकार करने के लिए तत्पर हो जाता। प्रभु, अब तो आप ही भीतर जाने का मार्ग दिखाइए। अब आप ही बताइए किस मार्ग को अपनाऊं मैं। भोजन भोजन वहां। जीवित नहीं लगने दूंगा मैं उसको, स्प्रेटिए को। किंतु प्रभु, भोजन के स्थान पे हमें शीर्षासीन जयंत को ढूंढना चाहिए ना प्रभु। प्रभु, सुरा पद्मन यहाँ है और सुरासई भी आने वाली हैं। हमें अत्यधिक सावधान रहना होगा। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं? कहीं उन दुष्टों ने देख लिया तो? प्रभु,
द्वारपाल हो। तुमने यहाँ किसी अपरिचित को देखा था? साहसिन सेवकों का सेवकों ध्वनि तो भोजन गृह से आ रही है, वहां जाकर देखता हूं। इतनी बड़ी भूल करने का दुस्साहस किसने किया? मेरे आने से पहले मेरे भोजन का थाल क्यों नहीं लगा हुआ है? गणेश जी कर रहे हैं? इनका ध्यान भटका रहा हूं, जिससे ये हम पर ध्यान ना दें। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई तुमसे? महाराज का भोजन पात्र नहीं है यहाँ, इसने किया ये। क्या हुआ यहाँ? किसकी असावधानी है? ये पात्र कैसे गिरे? उत्तर दो, नहीं तो सबको कारागार में डाल दूंगा मैं। मेरी उल्लुक की दृष्टि जो देख पा रही है उसके अनुसार इसमें इनका कोई दोष नहीं है, कोई अन्य है यहाँ। और वो जो भी हो मेरे प्रहारों से बच नहीं पाएगा, या तो उसे हमारा बंदी बनना होगा अथवा अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। क्या हुआ? कोई आहत हुआ तो उसका स्वर क्यों नहीं आया? अभी मेरा उल्लू देखकर सत्य ज्ञात कर लेगा। वहां तो कोई नहीं है, किंतु ये दो चिन्ह किसके हैं? पिताश्री दो गज बैठे हैं। मुझे यहाँ गज की सूंड दिखाई दी। सूंड स्पष्ट है, वीर बाहु यहाँ अकेला नहीं आया है, अवश्य गणेश उसके साथ यहाँ आया है, इसीलिए सावधान रहो। बहुत चतुर है वो, उसका कोई कार्य असफल नहीं होता, इसलिए किसी भी परिस्थिति में दोनों यहाँ से भागकर नहीं जाने चाहिए। माता के आदेश का पालन कोई भूल ना हो पाए। पिताश्री असुर सम्राट सूरपद्मन, मैं आपका पुत्र सुदमुखन ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी भी मूल्य पर इन दोनों घुसबैठियों को ढूंढ लूंगा और जयंत तक तो उन्हें कदापि पहुंचने नहीं दूंगा। उचित समय पर वहां से निकल गया प्रभु, अन्यथा इससे मुक्त रहने के लिए इसे चूचना पड़ता हमें। किंतु सुदमुखम से छिपकर जयंत तक पहुंचने के लिए हमें सुदमुखम से ही नहीं अपितु उसके उलूक से भी छिपा रहना होगा। प्रभु हमें उससे छिपना है, हम उसका पीछा क्यों करेंगे? क्योंकि उसने जो कहा अब उसके विपरीत होगा।
वो हमें जयंत तक पहुंचने से रोकेगा नहीं, अपितु हमें उस तक ले जाएगा। मेरे स्नान की सभी सामग्री व्यवस्थित है यहाँ। प्रणाम प्रभु। प्रतिदिन इतनी पीड़ा सहकर ये मेरी सेवा करे ये उचित नहीं है, किंतु मैं इसे रोकूं भी तो कैसे? कार्तिकेय स्वामी। वो दोनों जयंत और बाकी देवताओं को मुक्त कराने आए हैं, इसलिए वो पश्चिम दिशा में हमारी कारागारों की ओर बढ़ेंगे। हमारे सभी सैनिक को उसी मार्ग में रहना होगा। देखा क्या कहा था मैंने? आपने उचित कहा था प्रभु। तो यहाँ हमारा कार्य संपन्न हुआ, आइए आगे बढ़ें और इनके पहले वहाँ पहुंचकर शेष कार्य भी संपन्न करें। इससे उत्पन्न प्रकाश के कारण उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी और वो हमें देख नहीं पाएगा। तैयार हो जाओ, अपने सबसे विनाशक और भयानक हथियारों के साथ आगे बढ़ो। इससे पहले वो कारागारों को ढूंढ सके सभी मार्गों पर पिच जाओ।
प्रभु, इन खंडहरों में भटकते भटकते भोर से दूसरा पहर हो गया, किंतु हमें कारागार नहीं दिखे। निश्चिंत रहिए और संयम रखिए, मुझे पूरा विश्वास है हम उचित स्थान पर हैं। कारागार यही है। देखिए ना देवराज, अब भाभी माँ क्या कर रही हैं? मुझे लगता है स्वामी कार्तिकेय का ध्यान फिर से भटक जाएगा। प्रभु, आप अपने आराध्य की भक्ति में इतने लीन हैं कि आपकी अटूट श्रद्धा और ऐसी अनुपम भक्ति से प्रेरणा लेकर मैं भी और अधिक कुछ करना चाहती हूँ। मैं भोर से संध्या तक आपकी प्रतीक्षा करूंगी और मैं वचन देती हूँ कि मैं आपके और अपने बीच इतनी दूरी बनाकर रखूंगी कि मेरी पायल से आपका ध्यान तनिक भी भंग ना हो। कल गणेश जी यहां थे और उन्होंने देव सेनापति के क्रोध को शांत कर दिया था, तो आज क्या होगा? किंतु यदि आज भाभी माँ की पायल की ध्वनि सुनकर उनको क्रोध आ गया तो फिर क्या होगा? एक साधारण सी पायल की ध्वनि मेरे ध्यान को कैसे भंग कर रही है? इतनी मध्यम होने पर भी इतनी विशेष क्यों? जब एक पति अपनी पत्नी की पायल की सकारात्मक ध्वनि और उसकी चूड़ियों की मधुर खनक को सुनकर पहचानना आरंभ कर दे, तो ये समझ लेना चाहिए कि उन दोनों के मध्य एक विशेष संबंध स्थापित होने लगा है। अत्रि देव सेना स्वामी कार्तिकेय से इतनी दूर है, फिर भी वो उसके पायल की ध्वनि सुन कैसे पा रहे हैं? कदाचित मैं अपने ध्यान में लीन होने के स्थान पर इस ध्वनि पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार आपकी पायल की ध्वनि मुझे आपकी निकटता का भास करवाकर, मुझे शांत और स्थिर बनाकर, मुझे एकाग्रता से ध्यान करने में सहायता करती है। स्वामी, जो पिता को ज्ञात वही बात अब पुत्र को भी समझ लेनी चाहिए। शीघ्रता कीजिए। शीघ्रता कीजिए, शीघ्र निकलिए। प्रभु, बहुत समय बीत गए, आइए अब कुछ ही कारागार शेष रहेंगे, आइए उनमें देखते हैं। ये तो भाखन है, एक समय में सुरा पद्मन का विश्वासी सेवक। इसकी कैसी दुर्दशा हो गई प्रभु? बताइए भाखन, क्या आपको ज्ञात है जयंत और देवता कहाँ बंदी हैं? प्रभु, आपके स्वर सुनते ही मेरे देह में जैसे पुनः शक्ति का संचार हो गया, मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं प्रभु। किंतु मैं बहुत लज्जित हूँ प्रभु, बहुत दुखी हूँ मैं उन्हें नहीं समझा सका प्रभु कि प्रभु कार्तिकेय स्वयं परम ब्रह्म है, उनकी भक्ति में ही जीवन का सार है। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं भाखन, इसमें आपका कोई दोष नहीं, फिर भी अपना एक नेत्र खोकर आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा। मैं अभी आपको वरदान देता हूँ। नहीं प्रभु, आप मुझे दृष्टि नहीं चाहिए,
जिन नेत्रों से मैं प्रभु कार्तिकेय के दर्शन कर चुका हूँ, अब उन नेत्रों से कुछ और देखने की इच्छा नहीं। दृष्टि तो क्या, अब तो मेरा पूरा जीवन प्रभु कार्तिकेय को समर्पित है। मेरी अब कोई इच्छा नहीं प्रभु। हम भी यहाँ आपके प्रभु के कार्य से ही आए हैं, जयंत और देवताओं की रक्षा करने। क्या आपको ज्ञात है वो किस कारागार में है? नहीं, ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं, किंतु प्रभु के महाभक्त बालक जयंत साधारण कारागार में नहीं रह सकते। उन्हें तो उस कारागार में रखा होगा उन दुष्टों ने, जो अन्य सभी की दृष्टि से छिपे रहते हैं और जिसके बारे में बस सुरसाई और उसके परिवार को ज्ञात है। इन रक्षकों की चेतना लौट रही है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। मेरा लुक, उसका स्वर, वो है तो यही कहीं, तुम तो दिखाई क्यों नहीं दिए? इस कारागार में स्वयं ही जाकर देखता हूं। चलिए वीर बाहू जी। मुझे विश्वास है तो यही थे, तो अब कहां गए? जहां भी गए होंगे मैं उन्हें ढूंढ लूंगा और उनका वध कर दूंगा। पहले तुम्हें तो दंड दे दूं। मेरा कार्य करने में असफल होते हैं उनका यही परिणाम होता है। अब जाओ और अपना उपयोग मेरे लिए प्रमाणित करो। वो अधिक दूर नहीं गए होंगे, जाओ ढूंढो उन्हें। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। प्रभु, यदि ये भी असुरों की एक चाल हुई तो? नहीं, यहाँ की दिव्यता, यहाँ की पावन ऊर्जा से तो मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। हमें उलझाने के लिए ये प्रभु का नाम ले सकते हैं, किंतु भक्ति कहाँ से ला सकते हैं? मेरे विचार से हमें भीतर जाकर देखना चाहिए। प्रभु कार्तिकेय की कोई भक्त हुई तो अवश्य हमारी सहायता होगी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम
स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। प्रभु महादेव पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी, यहाँ कुटिया के द्वार पर खड़े मत रहिए, भीतर आकर अपने इस भक्त का स्वागत स्वीकार कीजिए। आइए। कार्तिकेय? कौन कार्तिकेय? वो जो भी है उसके किए का दंड अवश्य मिलेगा। नहीं वीर बाहू जी, जिस अजामुखी से आपकी भेंट हुई थी ये वो नहीं, ये तो अब स्वामी कार्तिकेय की परम भक्त बन चुकी हैं। वो उल्लू? मेरी भक्ति का विश्वास कीजिए, भीतर आकर अपनी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। आइए आइए। जयंत को सुरक्षित रहना चाहिए। प्रभु शीघ्रता कीजिए, अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए। प्रभु जयंत, जयंत पुत्र। सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उचित समय आने पर प्रभु अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं।